नमस्कार, आरके टेक्निकल में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी आप लोग एक हमारी वीडियो देखेंगे, अगर नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा। उसमें हमने क्या किया था, एक मोटर के स्पिन मोटर की पुल्ली को कैसे निकाला जाए, ब्रेक शू को या ब्रेक प्लेट को कैसे निकाला जाए, सब कुछ कंप्लीट बताए थे। तो अब हम क्या करेंगे, एक नया मोटर आया है, उसकी सेटिंग कैसे होती है, तो इसकी सेटिंग कैसे होती है उसको हम बताएंगे। पहले इसको यहाँ रख लेते ताकि आगे पीछे ना जाए। इसकी सेटिंग मतलब इसको पुल्ली को कैसे लगाएंगे, मतलब इस कैप को कैसे लगाएंगे, इस प्लेट को कैसे लगाएंगे, सब कुछ। जैसे देखिए यार, ब्रेक वायर प्लेट, इस प्लेट को अभी हमने बताया था उस वीडियो में कि अलग 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 मतलब पार्ट मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ अलग पार्ट को मंगाया गया है। पुल्ली वही रहेगी क्योंकि यह बहुत कम खराब होती है। कभी अगर यह नट टूट जाए या मिस हो जाए या फट जाए तो इसको चेंज किया जाता है, नहीं तो नहीं। अब देख सकते हैं कंपनी ने कुछ अलग एक चीज बना के दिया है। अभी अभी ये देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे लगाने के बाद, यहाँ पे लगाने के बाद अगर जैसे देखिए पानी गिर रहा है, कभी कभी पानी, ज़्यादातर स्पिन मोटर पानी की वजह से ये जल जाता है। तो पानी गिरता तो इसके क्वाल के नीचे चला जाता है। तो अभी यहाँ प्लेट लग जाएगा तो क्वाल के नीचे नहीं, देख सकते हैं यहाँ पे का ड्रेन पाइप लगे जो पानी को नीचे की तरफ, पानी को नीचे की तरफ कर देगी तो यह मोटर जल्दी ख़राब नहीं होगा। मतलब पानी से तो पक्का नहीं होने वाला है, अगर अधिक लोड होने से या कहीं शॉर्ट सर्किट होने से ख़राब हो सकता है, लेकिन इससे नहीं होगा। देख सकते हैं प्लास्टिक का प्लेट है, या ख़राब भी नहीं होगा, मतलब ये जंग भी इसमें नहीं लग सकती। तो इसको कैसे लगाया जाएगा और इस प्लेट को कैसे लगाया जाएगा, इस पुल्ली को कैसे लगाया जाएगा, सब कुछ कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। तो यह वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। पहले हम क्या करेंगे, इसकी सेटिंग कर लेंगे। मतलब आप देख सकते हैं इसको कहां से इसको लगाना है, मतलब ये देख सकते हैं ये इसके नीचे की तरफ चाहे यहां लगाएंगे, देख सकते हैं यहां लगाएंगे तो नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां इसको ऐसे सेट करेंगे। तो कैसे कैसे लगाया जाएगा सब कुछ कंप्लीट बताएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ ऐसे देख सकते हैं इसमें होल किया गया है। अब होल के द्वारा इसको क्या करेंगे, इस स्क्रू के द्वारा, मतलब स्क्रू से इसको टाइट करेंगे। टाइट करने से पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो प्लेट है इस प्लेट को भी सेट कर लेंगे। तो प्लेट को सेट करने के लिए देख सकते हैं ऐसे कुछ हमें करना पड़ेगा, ये यहाँ पर ऐसे इसको सेट करेंगे। तो देख सकते हैं इस प्लेट को सेट करेंगे, ये ऐसे इसको सेट करेंगे। सेट करने के बाद जो इसका नट नया सा स्क्रू है इसको भी हम क्या करेंगे, लगा देंगे। देख सकते हैं इस प्लेट को कैसे लगाया जाए, इस पुल्ली को कैसे लगाया जाएगा, सब कुछ कंप्लीट बताएंगे। तब तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये देख सकते हैं जो पाइप है इसके अंदर, यहाँ पे एक पाइप है, मतलब इस यहाँ से पानी बाहर गिरेगा ताकि यह मोटर जो इस मोटर के अंदर देख सकते हैं जो क्वाल है, या क्वाल भी नहीं खराब होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले इसकी सेटिंग कर लेंगे। देख सकते हैं सेटिंग करेंगे तो यह नीचे की तरफ चला जाएगा। तो इसको सेट करने के लिए जो होल किया गया है, जो इसमें यहाँ पर जो होल है इसमें क्या करेंगे, लगा कर इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं इसको धीरे धीरे सेट करेंगे। अब उसके बाद इसको, इस ब्रेक प्लेट को लगाएंगे, जो ब्रेक वायर का प्लेट है इसको भी हम सेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे इसकी सेटिंग करना है, बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा एक तो हम क्या करेंगे, इसको लगा लेंगे, एक एक करके बारी बारी सबको टाइट कर देंगे। तो देख सकते हैं ऐसे जैसे खुला गया था उसी तरह इसको लगा भी देंगे, ऐसे से बारी बारी सबको सेट कर देंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है इसको सेट करने का। अब ये जो प्लेट लग गया इससे क्या होगा, पानी अगर मोटर ड्रेन से पानी गिरेगा भी तो भी इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, मतलब यहाँ से लीकेज की कोई संभावना नहीं रहेगी। एक स्क्रू का, इस स्क्रू को भी हमें क्या करना है, इसको लगा देना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इसकी स्प्रिंग को निकाल लेंगे। निकालने के बाद ऐसे इसको थोड़ा सा हटाने के बाद अब देख सकते हैं इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। तो इस तरह इसकी सिर्फ फिटिंग होती है। फिटिंग होने के बाद अब इसके ऊपर पुल्ली लगती है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके पुल्ली को लगाएंगे।
देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके स्टार्ट कर देंगे। ये सही से टाइट नहीं हो रहा, इसको देखते हैं क्या है इसके अंदर, है क्या दिक्कत आ रही है। तो उसके बाद फिर से इसको लगाएंगे। तो इसको अच्छे तरीके से टाइट करने के बाद सबको बारी बारी एक बार चेक कर लेंगे सही से टाइट हुआ कि नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये टाइट हो चुका है। अब टाइट होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अब आगे की तरफ कर लेंगे, जो स्प्रिंग है स्प्रिंग को भी लगा देंगे। तो स्प्रिंग देख सकते हैं बिल्कुल न्यू स्प्रिंग है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी यहीं लगा देंगे, देख सकते हैं यहाँ लग चुका है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पुल्ली को लगाएंगे। पुल्ली को लगाने के देख सकते हैं ये देखिए नया महंगा गया है, इस कैप को पहले इसके अंदर धीरे धीरे करके इसको अंदर की तरफ लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं ये बैठ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके पुल्ली को लगा देंगे। पुल्ली को लगाने के बाद नीचे वाला जो नट है उसको टाइट कर देंगे। तो थोड़ा सा ब्रेक शू को आगे की तरफ कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये लग गया। तो इस तरह इसको लगाया जाता है। और इस देख सकते हैं यहाँ ब्रेक वायर भी काम कर रहा है। तो ऐसे इसको लगाया जाता है। तो इस तरह इसको फिट किया जाता है। और इस नट को हमें क्या करना पड़ेगा, इस नट को भी टाइट कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ से इस नट को टाइट कर देंगे तो यह पूरा ओके हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ सेट हो चुका है। ब्रेक शू को जैसे छोड़ने देख सकते हैं, मतलब यहाँ से स्प्रिंग जैसे यहाँ से जो रस्सी लगेगी जैसे इसको आगे पीछे करेंगे तुरंत इसको पकड़ लेगा। अगर इसको घुमा देंगे तो घूमता रहेगा, जैसे इसको छोड़ेंगे तुरंत पकड़ लेगा। अब हम क्या करेंगे इसके नीचे को हम क्या करेंगे, 8 नंबर की गोटी लगती है, इसको क्या करेंगे अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे ताकि आगे पीछे ना हो, फ्री ना रहे। तो ये क्या करेगा, ये जाके अच्छे तरीके से इसको पकड़ लेगा। और ऊपर वाला आपको बताया था जो ऊपर वाला होता है इसको क्या किया जाता है, मतलब ऊपर वाले नट को ड्रम को टाइट किया जाता है, ड्रम इससे टाइट हो जाता है। इस तरह कंप्लीट हो चुका है। अब ये आप देख सकते हैं अगर पानी गिरेगा भी इस ड्रम पे गिरेगा तो इस साइड से गिरने के बाद यहाँ से नीचे से ज़मीन पर चला जाएगा या उस वॉशिंग मशीन पर कहीं भी चला जाएगा। तो इस तरह यह वीडियो कम्प्लीट हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।